नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीजी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी आज आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो पैकेज हैं उसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं, क्या क्या टास्क के लिए वो अवेलेबल हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ MS ऑफिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इंट्रोडक्शन से पहले अपन देखते हैं कि MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेसिफिक डिज़ाइन किया गया है, जो ऑफिस एप्लीकेशंस है, बिजनेस एप्लीकेशंस है, इनके लिए ये डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के थ्रू। ये जो फर्स्ट वर्जन इसका आया था विंडोज़ के लिए वो था 1990 के अंदर। इससे पहले भी आपका MS ऑफिस के कुछ वर्जन्स डॉस के लिए आ चुके हैं, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस कर सकेंगे डॉस क्या है, तो उसके लिए आ चुका है। जो MS ऑफिस है ये विंडो के लिए 1990 के अंदर आया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 35 लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है, मतलब कि 35 अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल हैं फॉर द विंडोज़, मैक और लिनक्स, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है। तो अपन देखते हैं हिस्ट्री ऑफ MS ऑफिस, ठीक है। तो ये सबसे पहले डेवलप किया, इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कॉरपोरेशन के लिए, माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री के थ्रू ये डेवलप किया गया था। जो फर्स्ट वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो डेवलप किया गया था चार्ल्स सिमनोई एंड रिचर्ड बॉर्डी, जो कि जेरोक्स प्रोग्रामर थे और हायर किए गए थे बिल गेट्स के थ्रू और पॉल एलन के थ्रू 1981 के अंदर। जो पहला MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर था वो चार्ल्स सिमनोई एंड रिचर्ड बॉर्डी ने डेवलप किया था। ये जेरोक्स प्रोग्रामर है दोनों, और बिल गेट्स के थ्रू इनको हायर किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। जो पहला वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो वर्ड प्रोसेसर था माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, वो था WISIWYG। काफ़ी बार ये फुल फॉर्म पूछने को मिलती है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ठीक है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। ये पहला सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू, वर्ड वर्जन था। और ये वर्ड 1.0 भी था जो अक्टूबर 1983 के अंदर MS DOS के थ्रू अवेलेबल कराया गया था। विद द साइलेंटली इम्प्रूव द इंटरफेस द विंडोज 3.0 वॉज रिलीज इन द 1990, यानी कि जो विंडोज 3.0 थी वो 1990 के अंदर आई थी और उसके अंदर कुछ इंटरफेसेस चेंज किए गए थे, और कमर्शियल यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए MS ऑफिस को इस टाइम रिलीज़ किया गया था 1990 के अंदर। जो फर्स्ट वर्जन था MS DOS के लिए वो बना था अक्टूबर 1983, जो WISIWYG, व्हाट यू सी इज़ द व्हाट यू गेट, ठीक है, जो MS DOS के लिए था। और 3.0 के साथ 1990 के अंदर जो आया था वो था आपका MS ऑफिस, जो 1.0 जो चल रहे थे वो यहाँ पे यूज आए थे। अब वर्जन हिस्ट्री ऑफ MS ऑफिस, ठीक है, अपन वर्जन हिस्ट्रीज देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की विंडोज़ के लिए, ये सारी विंडोज़ के लिए है। तो सबसे पहले जो आया था नवंबर 1990 के अंदर वो था आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1.0, ऐसे 3.0, 4.0, ऐसे करते करते आपका अपन मेनली यूज में ले रहे हैं 2003, ठीक है, ये नवंबर 2003 के अंदर आया था। बाद में 2007 आया, ठीक है, ये जनवरी 2007 में आया, ठीक है, 2010 ये जून 2010 में आया था। अब जो करेंटली लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, ये सितंबर 2015 के अंदर आया था और ये अभी करेंटली यूज़ में आ रहा है अपने सिस्टम्स के अंदर। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कुछ एप्लीकेशंस हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज इसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें मेनली यूज़ में आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। इन सब के बारे में अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स के अंदर कि कौन सी एप्लीकेशंस क्या यूज़ में आती है, ये सर अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं आगे के स्लाइड्स के अंदर। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये जो है ये वर्ड प्रोसेसर है जो कि इंक्लूड किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट सूट के अंदर। ये माइक्रोसॉफ्ट सूट के अंदर अवेलेबल होता है। एमएस वर्ड हैज़ बीन इंक्लूडेड द वेरी फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। ये सबसे पहला वर्जन था उस टाइम से लेके अब तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस ऑफिस के पैकेजेस के अंदर अवेलेबल है। जो फर्स्ट वर्जन आया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस वर्ड का विंडोज़ के साथ वो था ऑफिस 1.0 के साथ 1990 के अंदर एज अ वर्ड 1.1 के नाम से ये ऑफिस 1.0 के अंदर अवेलेबल कराया गया था। ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है कि जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए कोई लेटर वगैरह टाइप करना हो, वर्ड मतलब कि एज ए अपन वर्ड प्रोसेसिंग के लिए अपन अगर यूज़ में ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका यूज़ में आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सेकंड एप्लीकेशंस आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके एज ए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, अल्फाबेटिकल इंफॉर्मेशंस के लिए, मतलब आपको कोई स्प्रेडशीट के रूप में अगर आपको कोई वर्क करना है, टेबुलर फॉर्मेट के अंदर कोई कैलकुलेशंस वगैरह प्रोवाइड करानी है तो, और जैसे आपको कुछ लिस्ट वगैरह प्रोवाइड करानी है या उसके अंदर कुछ चेंज मतलब कि कुछ सैलरी आप जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, सैलरी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका एवरेज निकालना है, मतलब ऑल ओवर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ में कोई एप्लीकेशन यूज़ में लेना चाहते हैं तो वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रूप में यूज़ में आएगा। यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की तरह जिसमें कॉलम और रोज आपकी अवेलेबल होती है, एक टेबल की तरह होती है। जो अल्फाबेट लेटर्स हैं वो असाइन किए जाते हैं कॉलम्स को। जो कॉलम्स हैं वो आपके ऊपर की साइड जो नेम होते हैं इस साइड जो ये वाले होते हैं इनको अपन कॉलम्स बोलते हैं। इनको अल्फाबेटिकली प्रोवाइड कराते हैं, ये ए से लेके एक्स वाई जेड तक ये यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। और ऐसे आपके जो न्यूमेरिक हैं, न्यूमेरिक वर्ड न्यूमेरिक जो है वो आपको प्रोवाइड कराते हैं आपकी रोज़ को, मतलब जो रो रहेगी उनको न्यूमेरिक नंबर प्रोवाइड कराएंगे। तो उसमें किसी भी रो के डेटा को अपन स्टोर करते हैं तो सेल्स के अंदर करते हैं। अपन नेक्स्ट जो अपने वीडियोज़ आएंगे उसके अंदर एक्सेल वगैरह वर्ड वगैरह इनका पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। जो सेल्स के अंदर जो डेटा स्टोर होते हैं वो यानी रो और कॉलम का जो कार्टिशंस होता है वहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। जैसे कि अपन को किसी एक जैसे ये ए नंबर का कॉलम है और ये टू नंबर की रो है तो इसको अगर अपन एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, ए टू, ठीक है, इसका एड्रेस होता है ए टू। इस टाइप से अपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्टोर करते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो पहला वर्जन आया था वो ऑफिस 1.0 के साथ में आया था, उसका 1990 के अंदर था, इसका नाम था एक्सेल 2.0। एक्सेल 2.0 के नाम से ये फर्स्ट वर्जन विंडोज़ के लिए अवेलेबल हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं अपन पावर पॉइंट के। पावर पॉइंट जैसे अभी अपन यूज़ में ले रहे हैं, पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो कि क्रिएट किया गया था रॉबर्ट गैसनिक एंड डेनिस अस्टिन के थ्रू। सॉफ्टवेयर कंपनी थी फोर्थ डॉट इंडस्ट्रीज के थ्रू, ठीक है। और इसके अंदर पावर पॉइंट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउज टू क्रिएट शो द स्लाइड सपोर्ट द प्रेजेंटेशन यू कैन कम्बाइन द टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड मल्टीपल मीडिया कंटेंट द प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। किसी भी मतलब इंफॉर्मेशन को अगर आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे जैसे कोई डेटा है, डेटा को अगर अपन स्लाइड शो के थ्रू अगर प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो वहाँ पे अपन यूज़ में आते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे टेक्स्ट भी यूज़ में सकते हो, ग्राफिक्स यूज़ में ले सकते हो, मल्टीमीडिया कंटेंट्स यूज़ में ले सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज यूज़ में लिया, टेक्स्ट यूज़ में लिया, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे साउंड भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, साउंड भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, और कोई वीडियो प्रोवाइड करें तो वीडियो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। ये प्रोफेशनली यूज़ लेने के लिए आपका यूज़ में आता है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस पावर पॉइंट वॉज द विंडोज़ के साथ में जो आपका फर्स्ट वर्जन आया था पावर पॉइंट का वो था ऑफिस 1.0। और ऑफिस 1.0 के साथ में प्रोवाइड कराया गया था पावर पॉइंट 2.0, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, फर्स्ट वर्जन था एमएस पावर पॉइंट का जो विंडोज़ के साथ प्रोवाइड कराया गया था वो था ऑफिस 1.0 के अंदर पावर पॉइंट 2.0 1990 के अंदर अवेलेबल कराया गया था।
उसके बाद में बात करते हैं अपन एक्सेस की। तो एक्सेस क्या है आपका? एक्सेस आपका एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जिसके थ्रू अपन रिलेशनल डेटाबेस को अपने स्टोर करते हैं। मतलब अपन आगे डिस्कस करेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, मतलब कि किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, एक जगह स्टोर करने के लिए अपन यूज़ में लेते हैं DBMS। ये आपका टेबल्स को स्टोर करता है, फॉर्म्स को स्टोर करता है, रिपोर्ट्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जितने भी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन, डेटाबेस के वर्क हैं वो सारा प्रोवाइड कराता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो आपका अवेलेबल हुआ था, ये 4.3 ऑफिस 4.3 के अंदर अवेलेबल हुआ था 1994 के अंदर एज ए नेम ऑफ एक्सेस 2.0। बाद में बात आती है अपनी माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वन नोट जो एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है आपका पेपर नोटबुक का। जैसे अपन पेपर नोटबुक होती है उसी टाइप से आपका एक वन नोट था। इसके अंदर आपको कोई इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करनी हो, जैसे टू डू नोट्स होते हैं अपने, डेली वर्क्स होती है, इनको स्टोर करने के लिए अपन माइक्रोसॉफ्ट वन नोट यूज़ में लेते हैं। इसको अपन एज ए PIM सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। कोई डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, उनको शेयर करने के लिए अपन इसको यूज़ में ले सकते हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS नॉट विद विंडोज अवेलेबल ऑफिस 2007 के अंदर आया था, ये 2007 के अंदर। बाद में आया था आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो सॉफ्टवेयर था वो आपका अवेलेबल हुआ था ईमेल्स वगैरह को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। इट कैन ऑल्सो यूज टू मैनेज द वेरियस टाइप ऑफ पर्सनल डेटा इंक्लूडिंग कैलेंडर, अपॉइंटमेंट, सिमिलर एंट्रीज, टास्क, कॉन्टैक्ट, नोट्स, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट वगैरह को भी अपन इंस्टॉल कर सकते हैं इसके थ्रू, MS आउटलुक के थ्रू। यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ईमेल्स को सेंड वगैरह करने के लिए, प्रोफेशनली यही यूज़ में आता है आपके ईमेल्स वगैरह को सेंड करने के लिए। द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS आउटलुक विंडोज अवेलेबल विद ऑफिस 97 के अंदर आया था, 1996 के अंदर MS आउटलुक 97। लास्ट में बात करते हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर एक डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोफेशनल क्वालिटीज़ के जो पब्लिकेशंस हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ में आता है। जैसे कि आपको मैगजीन्स हो गए, न्यूज़लेटर हो गया, पंपलेट हो गया, अगर ये डिज़ाइन करनी हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर्स का यूज़ में ले सकते हो। इसमें पहले से बनाए हुए कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, आप उनको भी यूज़ में ले सकते हो और आपके अपने मॉडिफाइड टेम्पलेट्स भी आप उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। जो फर्स्ट वर्जन आया था MS पब्लिशर का वो आया था ऑफिस 97 के थ्रू और इन 1996 विद द नेम ऑफ पब्लिशर 97। MS पब्लिशर 97 के थ्रू ये पब्लिश रिलीज हुआ था विद द ऑफिस 97। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ अदर वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।